क्या आपको पता है टायर हमेशा काले क्यों होते हैं और ये ट्विटर के लोगों में ये कौन सा पक्षी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर बीच के सफेद भाग को स्कैन करता है ना कि उसकी काली पट्टियों को। अगर मैं आपसे पूछूं आप अभी तक कितने वाला पेन यूज कर चुके हैं तो आपका जवाब आएगा 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की मेटाबॉलिक कंपनी की पेन इस्तेमाल करते हैं और इस पेन की कीमत करीब 1,30,000 रुपए है, जो कि सिर्फ एक पेन की कीमत है। एक बार एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी बेरहम दया मानी जाती है, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना, जिसने लगभग 60 लाख लोगों के मौत के घाट उतार दिए। आप लोग इंटरनेट यूज करते समय यहाँ पर वोल्ट LTE और LTE देखा होगा। इंटरनेट सुविधा ये दोनों ही प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और वही वोल्ट LTE का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE एक 4G नेटवर्क है जिसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन वही वोल्ट LTE में नहीं होता है। इसमें फोन कॉल के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी चालू रहती है और यही इसमें अंतर होता है। टाइटैनिक, जो कि लंबी जहाजों में से एक है, टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए लगे थे, यानी कि जहाज उन्हें की नहीं थी जितने की सिर्फ एक फिल्म थी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की 72 जन्मदिन पर फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त कहा, सर जरा मुस्कुरा दीजिए। सर आइंस्टाइन बार बार मुस्कुरा के थक गए थे, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह खोलकर जीभ बाहर निकाल दी और कहा, अब खींचो तस्वीर। बाद में यह तस्वीर 80 लाख रुपए में बिकी, जिस पर उनका ऑटोग्राफ भी था। दुनिया का सबसे लंबा गणित का सवाल लगभग 15,000 पेज जितना लंबा है। इसे सिद्ध करने में 100 मैथमेटिशियन को लगभग 30 वर्ष का समय लग गया था। KGF 2 के ट्रेजर ने YouTube पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। कम समय में 150 मिलियन व्यूज और 7.5 मिलियन लाइक्स के साथ अब तक का मोस्ट ट्रेंडिंग ट्रेजर बन चुका है। आज तक किसी बॉलीवुड मूवी ने ये हासिल नहीं किया था। अगर मैं आपसे बोलूं आइसक्रीम का टेस्ट करने के लिए करोड़ों की सैलरी मिले तो आप क्या इस काम को करने के लिए राजी होंगे? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका की आइसक्रीम कंपनी में काम करने वाले जॉन हैरिसन आइसक्रीम का टेस्ट करके कंपनी को बताते हैं कि ये मार्केट में चलेगी या फिर नहीं, और इनकी बताई गई सब बातें सही होती है। इन्होंने अपने जीभ का लगभग 8 करोड़ का बीमा करवाया हुआ है। ट्विटर के लोगों में जो पंछी है उसका नाम लेरी है। क्या आपको पता है टायर हमेशा काले क्यों होते हैं? टायर का इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि आदिमानव के जमाने में भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय रबर जैसी किसी चीज की खोज नहीं हुई थी। जब रबर की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए गए थे, जो कि काफी काम आने लगे थे, लेकिन इन टायरों में अभी भी कमी थी, क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी से घिस जाते थे और रोड ज्यादा गर्म होने के कारण ये पिघलने लगते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया कि रबर में कार्बन और सल्फेट मिलाकर इसे किया जा सकता है। वैसे तो आपको पता होगा कि रबर का प्राकृतिक रंग व्हाइट होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन सल्फर मिलाया जाता है, जहां साधारण रबर से बना टायर 10 किलोमीटर चल सकता है, वही कार्बन और सल्फर युक्त रबर का टायर 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि टायर हमेशा ब्लैक होते हैं। आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।